नमस्कार, आप देख रहे हैं बियानी टीवी में कुछ पॉजिटिव खबरें और मैं पूर्वा चतुर्वेदी आज की खबरों में। सबसे पहले हॉकी, इंडिया ने शुक्रवार को टोक्यो ओलंपिक्स के लिए 16 सदस्यों की टीम का ऐलान किया है। इस टीम में 8 नए चेहरों को जगह दी गई है जो पहली बार ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगे। सभी खिलाड़ियों के लिए यह बहुत बड़ा मौका है, खास तौर पर 24 साल की नेहा गोयल जो अपनी जिंदगी की तमाम मुश्किलों का सामना करने के बाद अपनी माँ के प्रोत्साहन से आज वह दुनिया के सबसे बड़े मंच पे देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक गाजियाबाद की एक महिला ने यशोदा हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दिया। जब महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल आई थी तब वह कोरोना नेगेटिव थी, लेकिन घर वापसी के समय संक्रमण का शिकार हो गई। महिला के साथ उसका 8 दिन का बच्चा भी संक्रमण का शिकार हो गया। बच्चे के वापस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसने 15 दिन की जंग लड़कर कोरोना को मात दी। रेत के धोरों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान के जैसलमेर जिले में बालिका शिक्षा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर एक पहल हुई है। रेगिस्तान में जहां गर्मी के दिनों में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहां लड़कियों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने के लिए राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल शुरू किया गया है। स्कूल भवन में कोई एयर कंडीशनर नहीं है, लेकिन प्रचंड गर्मी में भी यहां राहत मिलती है। खूबसूरत जालीदार दीवार, हवादार छत, सौर प्रतिष्ठान शानदार वास्तुकला का उदाहरण है। कहते हैं कि पढ़ाई की ना कोई उम्र होती है और ना कोई सीमा, इसी सोच को सच कर दिखाया है गुजरात की 67 साल की एक बुजुर्ग महिला ने। उन्होंने अपने ड्रीम को पूरा किया और PhD की डिग्री हासिल करने में कामयाब रही। गुजरात के वडोदरा की रहने वाली 67 साल की उषा लोधिया ने 20 साल की छोटी उम्र में कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी और फिर शादी के बाद यह मुमकिन नहीं हो पाया, लेकिन उम्र की एक दहलीज पार करने के बाद उन्होंने अपने सपनों का हाथ नहीं छोड़ा और उसे पूरा करने के बाद ही राहत की सांस ली। यह थी बियानी टीवी पर आज कुछ सकारात्मक खबरें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमें लाइक करें, अपनी राय देते हुए कमेंट करें और हाँ, बियानी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही खबरों के साथ।